لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرض الهدى الزاني. जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी था जो मशहूर डाकू था और वो अपनी इस बुरी आदत से बाज नहीं आता था। किताब में लिखा है कि उसको 16,000 दुर्रे लग चुके थे, कभी 100, कभी 200, कभी इतने, कभी इतने, इतने दुर्रे लग चुके थे और इसके बावजूद, इतनी मार खाने के बावजूद वो इतना पक्का था कि चोरी नहीं छोड़ता था, डाके मारता था, हत्ता कि उसका एक हाथ भी काट दिया गया तो अब उसका दूसरा हाथ बाकी था, वो एक हाथ से भी चोरी किया करता था, डाके मारता था। लोगों के ऊपर उसकी हैबत बैठी हुई थी, उसका नाम सुन लेते थे तो लोग कांपने लग जाते थे कि हम तो उसके सामने भी नहीं जाना चाहते, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। वो डाकू एक मर्तबा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के घर पे आ गया रात के वक्त। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने कुछ कपड़े और ऐसी चीज कोई मंगाई थी रिज़्क के हलाल तिजारत की नीयत से, तो घर में पड़े हुए थे। वो जब घर में दीवार कूद के आ गया तो उसने सोचा कि चलो मैं ये 2-3 गठड़ियां उठा के ले जाता हूं। अब उसने गठड़ी तो बांध ली लेकिन हाथ एक था, उसको उठा के ले जाना उसको मुश्किल नजर आता था। तो वो डाकू इंतजार में था कि मुझे कोई हेल्पर मिले और ये गठड़ियां मैं उठा के अपनी जगह पे लेके जाऊं। इतने में जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तहज्जुद के लिए उठे और वो अपने घर के सहन में आए तो डाकू ने उनको देखा तो डाकू समझा कि ये इस घर का कोई नौकर है और ये उठ के आ गया है। तो डाकू ने उसको बड़ी सख्त आवाज में कहा, इधर आओ और ये गठरी उठा के मेरे सर पे रखो। तो जैसे उसने रोब से कहा तो वो बंदा आ गया और उसने आके उसको गठरी उठा के सर पे रखने में मदद की। तो डाकू समझ गया कि मैं जो कह रहा हूं ये मेरी बात मान रहा है, तो मैं अपने सर पे क्यों गठरी रखूं, इसी के सर पे रखूं। तो फिर उसने कहा, नहीं नहीं मेरे सर पे मत रखो, तुम इसको अपने सर पे उठाओ। तो जुनैद बगदादी इसके लिए भी तैयार, उसने अपने एक हाथ से मदद की और गठरी उठा के जुनैद बगदादी के सर पे रख दी और उसको कहने लगा कि जल्दी चलो इसे तुमने मेरे घर तक पहुंचाना है और फजर का वक्त होने में कम वक्त है, लिहाजा जल्दी 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 चलो, अगर तुमने देर की चलने में तो मैं पीछे से तुम्हें डंडा लगाऊंगा। अब जुनैद बगदादी अपना माल अपने सर पे रखा हुआ है और उसके घर की तरफ जा रहे हैं। अब वो तो रोजाना चोरी करता था इसलिए वो तो सेहतमंद था और तवाना था, और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तो कमजोर थे, सांस चढ़ गया, थक गए, पीछे से वो डंडे मार रहा है और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह उसका सामान लेके चल रहे हैं, हत्ता के उसके घर वो गठड़ी पहुंचा दी। जब गठड़ी घर पहुंच गई तो डाकू को तसल्ली हो गई कि आज मैंने कुछ ना कुछ माल चोरी कर लिया। जुनैद बगदादी वापस आ गए। अब वो बंदा जो डाकू था वो आराम से रात को सोया, अगले दिन उठा तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैंने एक घर के नौकर से काम लिया था, कहीं वो नौकर मेरा राज फाश ना कर दे, मैं जरा जाके पता तो करूं। तो उसने सोचा मैं जाता हूं और उस घर के करीब जाके देखूंगा, अगर तो वहां लोग ज्यादा होंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ये तफ्तीश कर रहे हैं चोर के बारे में, और अगर खामोशी होगी तो मुझे पता चल जाएगा कि उस नौकर ने मेरा राज फाश नहीं किया। चुनाचे वो चलता चलता जुनैद बगदादी के घर के करीब आया, वहां आके उसने देखा कि लोग कतार में आ रहे हैं और उस घर में दाखिल हो रहे हैं, और आने वाले सारे लोग वो हैं जिनके चेहरों पे नूर नजर आता है, जिनके चेहरों पे सुन्नत नबवी नजर आती है और जिनके चेहरों पे नेकी नजर आती है। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने एक बंदे से पूछा आप लोग कहां जा रहे हैं,
उसने कहा तुम्हें पता नहीं ये घर एक बहुत बड़े शेख का घर है। उसने कहा अच्छा क्या उस शेख को मैं देख सकता हूं? उसने कहा हां देख सकते हो, मेरे साथ आओ। चुनाचे वो डाकू अपना एक हाथ उसने छुपा लिया कपड़े के अंदर कि लोगों को पता ना चल जाए कि मेरा एक हाथ कटा हुआ है और मैं वो डाकू हूं। और वो उसके साथ चलता चलता उस घर में जब पहुंचा तो उसने क्या देखा कि रात को जिसको गुलाम समझ के उसने गठरी उठवाई थी वही बंदा मुस्नद इरशाद पे बैठा हुआ है और वो वक्त के बहुत बड़े शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे। अब उनके चेहरे पे जो नजर पड़ी ना तो दिल की दुनिया बदल गई। चुनाचे उसने हजरत की मजलिस में तौबा की, फिर हजरत से बैत हुआ। किताबों में लिखा है कि फिर उसको हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने खिलाफत अता फरमाई और वो अपने वक्त का हाथ कटा इतना बड़ा शेख बन के जिंदगी गुजारता रहा। तो डाकू था, चोर था, अल्लाह वालों की महफिल में आया और अल्लाह वालों ने उसके दिल को बदल के रख दिया। अल्लाह 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 अकबर।